Hello friends, बोर्ड पर जो प्रॉब्लम लिखा है उसे आई रिपीट इट, बैलेंस शीट ऑफ एप्को लिमिटेड एज ऑन 31st March 1887 लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड 18,18,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 1,80,000 इधर में प्लस पॉलिसी एरियर्स 2,000 1,78,000 रिवेन्यू रिजर्व्स 13,50,000 13,50,000 करंट लायबिलिटीज 4,50,000 4,50,000 प्रोविजन्स 2,22,000 असेट साइड फिक्स्ड असेट्स 27,00,000 इन्वेस्टमेंट ब्रैकेटेड अगेंस्ट रिजर्व 2,00,000 करंट असेट्स 11,00,000 टोटल करो 40,00,000 40,00,000 एडजस्टमेंट नंबर 1 100 प्रेफरेंस शेयर्स ऑन व्हिच द लास्ट कॉल ऑफ दिस 20 वाज नॉट पेड were forfeited by the directors on 30th April 1987. Number 2, the remaining preference shares were redeemed at a premium of 10% on 30th September 1987. Full stop. For this purpose, 10,000 equity shares of ₹10 each were issued at a premium of 10% and were fully paid up before 31st July 1887. Third, current assets include 2,000 in current account with bankers. Past journal entries and show the different accounts which are necessary. देखो यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टी पेड अप, इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम लिया था उसके अंदर पार्टी पेड अप शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल कॉल किया था, यहां टोटल अमाउंट इज कॉल्ड अप, मगर जो जिसके ऊपर कॉल्स बैलेंस है उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमें जन एंट्री करना है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जन एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एप्को लिमिटेड. देखो 1987 और शेयर फॉरफिट किए 30 एप्रिल
क्रोएशियस पे रुपीज 20 कॉल नहीं आया था, यानी कि 100 शेयर्स कैन यू 100 फाइनल कॉल नॉट रिसीव 20 अमाउंट रिसीव 100 शेयर्स का. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में भी 10,000 100 शेयर्स पर 100 वाला फेस वैल्यू 10,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. देखो अमाउंट रिसीव है 100 शेयर्स पर 80 रुपीज से 8,000 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट नॉट रिसीव है 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल 20 रुपीज से 2,000 बी फॉर फ्यूचर ऑफ बी फॉर फ्यूचर ऑफ 100 प्रेफरेंस शेयर्स. देखो अब दूसरे इंटरव्यू है जुलाई 31 को, उसने जानबूझकर पहले डेट दिया सितंबर का और बाद में इक्विटी शेयर इश्यू किए 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए. देखो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ मिस्टेक यानी कि फेस वैल्यू में 1,00,000 और 10% प्रीमियम यानी 10,000. तो बैंक अकाउंट में भी 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 10,000 शेयर्स ऑफ पे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 10,000 बी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर हमने इश्यू किए अब 30 सितंबर को, 30 सितंबर को हमें अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 1,80,000 का, उसमें से 10,000 के प्रेफरेंस शेयर हमने फॉरफिट किए, तो अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन देखो अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन 1,700 शेयर्स, 1,800 शेयर्स में से 100 शेयर्स हमने फॉरफिट किए सितंबर 30. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,70,000 उसका 10% प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,87,000 being amount due of preference shares. अब हमने अमाउंट पेड किया, अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन सितंबर 30 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,87,000 टू बैंक अकाउंट 1,87,000 being amount paid on redemption. Up next, entry is providing premium on redemption. प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपने पास शेयर प्रीमियम नहीं है, अभी सिर्फ 10,000 आए थे, तो बाकी क्या प्रीमियम रिवेन्यू रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे. सितंबर 30 शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 जो अभी मिला था. रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 17,000 बी premium of redemption provided. अब जो बाकी के हैं, हमने 1,70,000 में से fresh issue किए. देखो fresh issue क्या अमाउंट है, 1,00,000. बाकी के रिवेन्यू रिजर्व में से रिडम्पशन क्या 17,000 का रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट में भी रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 17,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 17,000 ट्रांसफर टू सी आर आर.